90 के दशक में आपने कई ऐसे पॉपुलर टीवी सीरियल्स और फिल्में देखी होंगी जिनमें चाइल्ड आर्टिस्ट ने आपका दिल जीता होगा। फिर वो चाहे शाकाला का बूम बूम का संजू हो या करिश्मा का करिश्मा की करिश्मा हो या फिर सोन परी की फ्रूटी ही क्यों ना हो। इन्हीं में से खास करके शो सोन परी की फ्रूटी का किरदार निभाने वाली तन्वी हेगड़े को बहुत लोगों का प्यार मिला था। 260 एपिसोड्स के बाद सोन परी भले ही खत्म हो गया हो लेकिन इसके कैरेक्टर्स आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। उस जमाने की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट तन्वी हेगड़े अब 30 साल की हो चुकी हैं और अब हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने हॉट और ग्लैमरस अंदाज से सभी को हैरान कर रही हैं। तो दोस्तों, तन्वी के बारे में जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। सोन परी शो की पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट फ्रूटी यानी तन्वी हेगड़े आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तन्वी ने अपना करियर महज 3 साल की उम्र में शुरू किया था जब वो रसना बेबी कॉन्टेस्ट की विनर बनी थी। इसके बाद उन्होंने इसी कंपनी के लिए एक कैंपेन भी किया। कुछ सालों बाद वो मशहूर टीवी सीरियल सोन परी में फ्रूटी के किरदार में नजर आई जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने शाकाला का बूम बूम के कुछ एपिसोड्स में भी काम किया है। सोनपरी के साथ ही टीवी की इस सक्सेसफुल चाइल्ड आर्टिस्ट को फिल्मों में भी काम मिलने लगा था। पहली बार मौका मिला साल 2000 में आई फिल्म गजगामिनी में। इस फिल्म को मशहूर पेंटर MF हुसैन ने अपनी पसंदीदा हीरोइन माधुरी दीक्षित के साथ बनाया था। MF हुसैन फिल्म हम आपके हैं कौन में माधुरी को देखकर उनके दीवाने हो गए थे। कहा जाता है कि वो फिल्म उन्होंने 100 से भी ज्यादा बार देख डाली थी और वो भी सिर्फ और सिर्फ माधुरी के लिए। उनके इसी दीवानेपन का नतीजा रही इस फिल्म में तन्वी ने बेबी शकुंतला का किरदार निभाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि तन्वी हेगड़े ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करीब 150 असाइनमेंट्स पर काम किया था जिनमें से कई विज्ञापन और टीवी शोज शामिल हैं। इसके अलावा तन्वी वाह लाइफ हो तो ऐसी, पिता, राहुल और चैंपियंस जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। आखिरी बार वो साल 2016 में आई मराठी फिल्म अथांग में नजर आई थी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको फ्रूटी का कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद था, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।